हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिका मोहंती ब्लॉग। एंड आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने क्रिएट किया है ये मेकअप लुक, एक बहुत ही सिंपल सटल सा मेकअप लुक जो कि पार्टीज उसमें आप इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट करके जा सकते हो विद अफोर्डेबल ब्रांड्स, वो भी जो अभी नए लॉन्च हुए हैं ना, उसमें नए लॉन्च मतलब पुराने मेकअप ब्रांड्स के ही नए रेंज लॉन्च हुए हैं, तो उसी में से थोड़े थोड़े मैंने अपने अभी अप्लाई किए हैं। सारे बहुत अफोर्डेबल कैटेगरी में जाते हैं, आप इनको परचेज कर सकते हो। चाहे तो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, स्टार्ट आवर मेकअप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर क्लिप्स को लगा लेती हूँ ताकि ये बाल थोड़े पीछे रहें। सबसे पहले मैं अपने लिप्स ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, इवन स्किन प्रिपेयर करने से पहले, क्योंकि मुझे लिप्स का ये एरिया है ना, ये सबसे पहले सटल चाहिए। तो अपने लिप्स प्रिपेयर करने के लिए मैं ले रही हूँ ये अर्थ रिदम का लिप बटर, तो इससे मेरे लिप्स है ना मॉइस्चराइज हो जाएंगे। एंड आई एम ओपनिंग द पैकेज, एंड इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो, इट लुक्स सो क्लासी। एंड कंसिस्टेंसी भी हम चेक कर लेते हैं इसकी, ऐसी है उसको, ओके आई एम डन विथ मॉइस्चराइजिंग माई लिप्स। तो फेस वॉश किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है एंड फेस थोड़ी सी मुझे ड्राई फील हो रही है, तो मैं सबसे पहले अपना ये गुलाब जल लगा लूँगी। फेस काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहा है एंड उसके ऊपर फेस को टाइटनिंग करने के लिए मैं लगाऊंगी अपना सेरम, टॉटन की का सेरम जो मैंने नया लिया है, इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। तो इसको हम थोड़ा सा चेहरे पे अप्लाई कर लेते हैं। सेरम हमारे फेस को काफ़ी अच्छा रखता है, इससे हमारी जो स्किन के जो पोर्स हैं वो ऑलमोस्ट टाइट हो जाते हैं, इतने ओपन नहीं रहते, तो मेकअप भी काफ़ी स्मूथ रहता है एंड स्किन के लिए बेनिफिशियल तो रहता ही है। मैं ये विटामिन सी वाला सेरम यूज़ कर रही हूँ डॉटन की का, एंड ये मुझे काफ़ी पसंद भी आ रहा है। अब अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने की बारी आ गई है क्योंकि मैंने अपना फेस सीरम तो लगा लिया है एंड मॉइस्चराइज करने के लिए ना मैं मुझे थोड़े हाइड्रेशन वाली क्रीम अच्छी लगती है एंड इसी पर्पज से मैं ये डॉटन की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक ये स्पूली भी दिया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन ये मेरा जितना मेरे कैप में लगा था, आई थिंक मैं पहले इसको यूज़ कर लेती हूँ। फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद मेरा फेस काफ़ी हाइड्रेटेड फील कर रहा है, लेकिन फ्लॉलेस मेकअप के लिए चाहिए कि आपके जो पोर्स हैं अगर थोड़े से भी विजिबल हैं तो उनको आप अच्छे से क्लियर आउट कर लो, ब्लर आउट कर लो। तो उसके लिए ही मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का फिट मी का मेट पोरलेस वाला प्राइमर। ये बहुत ही एक मिनी प्राइमर है विद क्ले और मुझे मेकअप प्रोडक्ट के साथ फ्री मिला है, लेकिन इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और ये काफ़ी अच्छा है, तो अभी मैं इसको ही यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पर। एंड इतनी सी क्वांटिटी से ही हो जाएगा इस तरफ का मेरा पार्ट जहाँ पे मुझे पोर्स थोड़े से मुझे विजिबल लगे। स्किन प्रेप करने के बाद अब मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ अपने फाउंडेशन के ऊपर। फाउंडेशन भी मैं बहुत लाइट वेट वाला लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही इजी लाइट वेट वाला मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला। तो यस, इसके लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का ये रेंज, एंड फिट मी का ये फ्रेश टिंट रेंज है, काफ़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी है इसकी, तो ब्लेंडिंग में आपको ये काफ़ी ईजी रहेगा। इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी मैं लूँगी, एज यू कैन सी छोटा सा ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अब ब्लेंड कर दूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट वेट रखना है पूरा जो ये एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले अंडर आई एरिया एंड आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। मैंने फेयर टोन ही मोस्टली लिया हुआ है क्योंकि मुझे फेयर टोन वाला एकदम सही लगता है, क्योंकि जब ये सेटल डाउन भी हो जाता है तो परफेक्टली मैच कर जाता है थोड़े घंटों के बाद एंड ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो ज़्यादातर मैं अपने लिए फेयर टोन वाला ही चूज़ करती हूँ कलर। आप अपने हिसाब से अपना टोन चूज़ कर सकते हैं जो आपको फिट मी में सही रहता है। आईज़ के ऊपर भी मैंने एक ड्रॉप लगाया था ताकि जब हम आई शेडो वगैरह लगाएं, आई मेकअप करें, तो ये भी बहुत अच्छे से उभर कर आए।
फाउंडेशन मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है, अब मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ अपने आई मेकअप पर, क्योंकि एक बार आई मेकअप हो जाता है तो उसके बाद जितने भी फॉल आउट हैं उसको हम कंसीलर लगा के सेट कर देंगे। इसीलिए अभी तक मैंने अपने अंडर आईज़ को भी कंसीलर वगैरह से सेट नहीं किया है। एंड आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ ये नायका का ब्रोच, एंड इसी से ही अपने आईब्रोज को मैं अब फिल कर दूंगी। आईब्रोज को फिल करते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ही हल्के स्ट्रोक पहले अंदर की तरफ से ही लेना है, आप आउटलाइन पहले बिल्कुल भी ड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपके जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस रहते हैं और आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इट्स बेटर एंड सेफ कि आप अंदर की तरफ से हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाएं एंड फिर धीरे धीरे आप बाहर की तरफ को आएंगे के स्ट्रोक्स लगा दीजिए थोड़े से, थोड़ा सा आप अपर की तरफ को धीरे से इसको करके एंड यहाँ से आप ऐसे खींच सकते हैं। लाइट स्ट्रोक्स आप नीचे भी लगा सकते हैं एंड जब आपका पूरा हो जाए आप स्पूली की हेल्प से इसको ब्रश आउट कर लीजिए। आपकी स्पूली ही आपको एक अच्छा सा एंगल दे देती है, जो भी आपके अंदर की तरफ को स्ट्रोक्स लगे हुए हैं यू कैन सी द रिजल्ट। अब मैं अपना आई मेकअप शुरू करने वाली हूँ विद हुडा ब्यूटी का ये रोज़ पैलेट वाला। ये इनका एक छोटा वाला पैलेट है जो आपको 1000 and 1050 की रेंज में मिल जाता है एंड काफ़ी खूबसूरत से पार्टी अप्रोप्रिएट पिंक एंड न्यू शेड है इसमें, तो ये वाले शेड्स में यूज़ करके अपना एक आई मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ। मैं इसी का ही ये पर्पल जो ग्लिटर वाला शेड है ले रही हूँ, इसको एक कट क्रीज देके इसके लोअर वाले क्रीज पे लगाऊंगी मैं एंड बेटर कि आप थोड़ा फिंगर में लें एंड इसे इसको अप्लाई कर लें। वाला गोल्डन शेड अब मैं लेने वाली हूँ, अपने कॉर्नर पे थोड़ा सा इसको अप्लाई कर दूंगी। अभी काफ़ी फॉल आउट हुआ है तो आपको लग रहा होगा इस तरह से, लेकिन अभी हम इसको पूरा सेटल करेंगे। उससे पहले मैं अपना आईलाइनर वगैरह लगा देती हूँ एंड मस्कारा लगा लेती हूँ। आईलाइनर के लिए मैं लेने वाली हूँ ये रेनी का ब्लैक आईलाइनर एंड मस्कारा लगाने के लिए मैं लेने वाली हूँ लैश पैराडाइज फ्रॉम लॉरियल पेरिस। ये दोनों ही काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी पिगमेंटेड हैं। एंड नाउ जितने भी फॉल आउट है उसको ठीक करूंगी मैं ये मेबलिन के कंसीलर के साथ। इसको मैं अपने अंडर आई एरिया पे स्पेशली ले लूंगी एंड अब एक ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो आप देखिए जितना भी फॉल आउट है वो पूरा कवर हो गया है और मेरा अंडर आई एरिया भी काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो गया है। आफ्टर यूजिंग कंसीलर मैं अपने फेस को एक फाइनल डस्ट ऑफ करूंगी और सेट करूंगी मेबलिन के फिट मी वाले रेंज के कॉम्पैक्ट के साथ, और इसमें है मेरा शेड नंबर 115 और ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आता है। 249 रुपीज़ में ये आपको कॉम्पैक्ट मिल जाएगा एंड काफ़ी पोरलेस फिनिश देता है। ये जो कॉम्पैक्ट है ना ये मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही सही अफोर्डेबल प्राइस पर आपका मेकअप ये सेट कर देगा। पाउडर कॉम्पैक्ट है ये एंड अब मैं अपना फेस सेट करती हूँ। आप देख सकते हो मेरा फेस काफ़ी ब्लर आउट और एकदम सही से सेट हो गया है, अब कुछ भी फॉल आउट इतना इसमें नज़र नहीं आ रहा है। कॉम्पैक्ट के साथ फेस को सेट करने के बाद अब मैं एक अपना ब्लशर टोन ले रही हूँ जो कि थोड़ा सा मीडियम टोन वाला ले रही हूँ, क्योंकि हमें कंटूरिंग और ब्लशर दोनों एक साथ ही करना है, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, मिनिमम से मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड उसी के लिए मैं ये ब्लशर यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। एंड इसमें मेरा शेड है 03 और एक सनसेट कोरल शेड है, ये मैं काफ़ी बार अपने दूसरे ट्यूटोरियल्स में भी दिखा चुकी हूँ। इस ब्लशर को यूज़ करने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा यही रहता है कि आपकी कंटूरिंग और आपकी ब्लशिंग एक साथ हो जाती है एंड सिंपली मैं इसको थोड़ा सा अपने फिंगर पे लेके पहले तो डैप कर दूंगी एंड इसको डैप करने के लिए मैं आज कंटूरिंग वाले एरिया से ले रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाइक दिस
ब्लेंडर के साथ इसको अब मैं ब्लेंड कर दूंगी। तो मैंने परफेक्टली इवन कॉन्टरिंग एरिया भी नहीं लिया, ना तो मैंने परफेक्टली आपका ब्लशर एरिया लिया, इन दोनों का मीडियम एरिया लिया है ताकि दोनों ही चीजें हमारी हो जाए और हमारा टाइम भी सेव हो। यू कैन सी इसी तरह से यूज करने वाली हूं मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का ही हाइलाइटर एंड द शेड इज 01 मरमेड स्केल। बहुत ही प्यारा सा सटल सा सिल्वर सा हाइलाइटर है ये और बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाता है स्किन पर, एक्स्ट्रा ऐसे यू नो चंकी वाला फील नहीं देता आपको। कितना प्यारा सा नेचुरल लुक दे रहा है ये। अपने ब्लशर के शेड के साथ ही मैं अपने नोज को भी थोड़ा सा कंटोरिंग करती हूँ एंड बहुत ही हल्का सा लेती हूँ ये कलर एंड दोनों नोज के साइड में इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अपने कंसीलर को थोड़ा सा नोज के लाइन पे ड्रॉ करूंगी हल्का सा एंड इसी को ही अब मैं ब्लेंड कर दूंगी। Like this, तो इससे मेरी नोज काफी यू नो एक अच्छी सी लंबी शेप में आती है। नाउ मैं इस हाइलाइटर को अपने नोज के अपर एरिया पे ही ऐसे ही ड्रॉ करूंगी एंड इसको अपने फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड करूंगी। थोड़ा यहाँ पे एंड थोड़ा यहाँ पे। अब मैं अपने आई मेकअप का ना एक लास्ट पार्ट करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे ये फॉल आउट होने से पहले करना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी डस्ट ऑफ भी करने वाले हैं और बहुत ही हल्का सा लो लैश पे भी लगेगा तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी। एंड ये जो सिल्वर कलर आप इस पैलेट में देख रहे हो ना, इस सिल्वर कलर को क्योंकि ये इतना फॉल आउट वाला कलर नहीं है, इस क्ले ब्रश की हेल्प से लो लैश लाइन पे एक यू नो स्मोकी सा वाइट सिल्वर वाला क्रिएट करने वाली हूँ। पहले मैं अपना मस्कारा एक बार और कोट कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी मस्कारा लगा चुकी हूँ। आई मेकअप काफी कंप्लीट हो चुका है, अब मैं एक बार फाइनल डस्ट ऑफ करूंगी फिर अपने मेबलिन के कॉम्पैक्ट के साथ ही। पूरा मेकअप अब ऑलमोस्ट सेट हो गया है एंड फाइनली इसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए ये वेट एंड वाइट का मैं मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस पर ये भी रहता है एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग रहती है इससे पूरा मेकअप। इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। फाइनली अब ओनली लिप मेकअप ही बचा हुआ है, बाकी सब ऑलमोस्ट मेरा सेट है एंड काफी सटल सा लुक आ रहा है। लिप मेकअप के बाद इसमें जान आ जाएगी। तो लिप मेकअप करने के लिए आज मैं लैक्मे के ये दोनों रेंज ट्राई करने वाली हूँ। ये कॉम्बो ये है लैक्मे का कॉस्मो ब्लश लिप डिफाइनर एंड लैक्मे की 9 to 5 प्राइमर एंड मेट लिक्विड लिपस्टिक। इसका शेड भी आपको मैं मेंशन कर दूंगी, आई थिंक स्पाइस्ड कैपेचिनो है एंड काफी न्यूड सा ब्राउनिश पिंक वाले शेड हैं एंड इस आउटफिट के साथ भी काफी अच्छा जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपना आउटलाइनर ड्रॉ करती हूँ अपने लिप पेंसिल के साथ, लैक्मे के लिप लाइनर के साथ ही अपने लिप्स को अब मैं डिफाइन करूंगी। आउटलाइन ड्रॉ करते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आप जितना हो सके कितना अंदर की तरफ से ही ड्रॉ कीजिए, ऊपर से ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ मत जाइए वरना वो आपको मैनेज करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और आपके लिप्स भी बहुत ज़्यादा अजीब से लगेंगे। तो इट्स बेटर टू बी सेफ। लिप लाइन ड्रॉ करने के बाद अपना ये लिपस्टिक मैं ट्राई करने वाली हूँ एंड इसका शेड का स्वेच भी आपको दिखा देती हूँ मैं। बहुत ही प्यारा सा न्यूड पिंक सा कलर है ये भी। यू कैन सी इनका कॉम्बो कितना बढ़िया उभर का है मेरे लिप्स पे एंड आई थिंक अब मेरा पूरा मेकअप पूरा सेट हो चुका है। चुनरी और हेयर स्टाइल के बाद ये कैसा लगता है मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ।
फाइनल लुक यू गाइस, आपको कैसा लगा ये लुक जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है मैंने। आने से पहले भी हमारी काफी पार्टीज रहती हैं, ऑफिस पार्टीज भी रहती हैं, जिसमें हम बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करके नहीं जा सकते, टाइम कॉन्स्टेंट भी होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सटल सा एकदम आउटफिट के साथ सटल सा मेकअप लुक मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। और जितने भी अभी मेबलिन हुआ या दूसरे मेकअप ब्रांड के थोड़े से नए प्रोडक्ट है ना, उनको भी यूज़ किया है। ये सारे प्रोडक्ट को नायका वाले हॉल वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगता है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल रुचिका मोहती।